अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग कॉर्नर विद सिद्रा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नाफा विद टोस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ मैंने कुछ ब्रेड स्लाइस लिए हैं 8 to 10, और उनकी एजेस को मैंने कट कर लिया है। और इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह, जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं सेम प्रोसेस से, इसी तरह हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ हमने इसको ब्लेंड कर लिया है, ये अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अच्छी तरह निकालने के बाद हम बाकी को भी इसी तरह ब्लेंड कर लेंगे। और यहाँ पे इसमें हम बटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है 100 ग्राम, और ये मेल्टेड बटर है, और मैंने इस तरह इसमें डाल दिया है। और हाथ से हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह के सभी जो ब्रेड हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, ये अच्छी तरह इसमें बटर मिक्स हो जाना चाहिए। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, और इसमें 500 ml मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। जैसे इसको बॉईल आना शुरू होगा, मैं इसमें 100 ग्राम बालाई, या आप किश्ता या क्रीम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें डालूंगी। और इसमें डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं अब शुगर ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पाउडर्ड शुगर ली है 2 टेबल स्पून, और जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ इसमें हल्का मीठा डाला है, और क्योंकि मैं ऊपर से शुगर सिरप डालने वाली हूँ, इसलिए इसमें हल्का ही मीठा रहना चाहिए। कि जब ये अच्छी तरह बॉईल होने शुरू हो जाएगा, मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर मैं यहाँ 2 टेबल स्पून लूँगी, और जब इसमें थोड़ा सा ये पकने लगेगा और इसके मिल्क में थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी, आप अगर आपका मिल्क थोड़ा सा थिक नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ घर का दूध है इसलिए वो जल्दी गाढ़ा हो जाता है, बाज़ार के दूध नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा और ज़्यादा कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग देखकर। और मैंने यहाँ 1 टीस्पून इसमें केवड़ा भी डाला है, आप चाहें तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। क्रीम है, ये थिक होनी शुरू हो गई है, जो मैं इसका किश्ता तैयार कर रही हूँ वो मैं इसे थोड़ा और पकाऊंगी, थोड़ा और ज़्यादा थिक होना चाहिए ये। अगर आपकी इतनी थिक नहीं होती है तो आप इसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर और ऐड कर सकते हैं। देखिए मेरी यहाँ ये बनकर तैयार हो गई है। जब तक हमारी ये क्रीम ठंडी होती है, हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये जो हमारा टोस्ट और बटर का मिक्सचर था, इसको हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे हाथ के सहारे से, इस तरह दबा कर अच्छी तरह प्रेस कर देंगे सभी तरफ से, अच्छी तरह दबाना है ये। अब हम ये क्रीम इसमें डालेंगे। ये अभी भी हल्की सी गर्म है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, देखें कितनी थिक है। और इसे हम इसमें डाल देंगे, थोड़ी सी थिकनेस इसमें ठंडा होने के बाद भी आ जाती है। और अच्छी तरह साफ़ कर पैन को हम सारे को इसी में डाल देंगे, और जो बाकी का मिक्सचर था वो हम इस पे लगाएंगे ऊपर से। हमने सबको बराबर कर लिया है, अब हम बाकी का मिक्सचर इसके ऊपर डालेंगे। कि
ओके, इस तरह से हमने सारे को फैला कर डाल दिया है। इसको हम ओवन में बेक करेंगे आधे घंटे के लिए, 30 मिनट के लिए 180 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको रख देंगे। ये इस तरह से प्रेस कर दीजिएगा इसको, और फिर इसको हम ओवन में रखेंगे। देखिए 30 मिनट बाद हमारा ये कितना अच्छा बेक हुआ है, और ऊपर से इसकी जो लेयर है एकदम क्रिस्पी है। और मैंने यहाँ इसमें 1 कप ऊपर से शुगर सिरप डाला है। यह अभी बहुत गर्म है, इसको गरम गरम को नहीं निकालना है। इसको ओवन से निकालने के बाद कम से कम 1 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। देखिए यहाँ मैंने प्लेट ली है, मेरी प्लेट जो है वो फिसल रही थी, इसलिए मैंने कपड़ा लिया है, और इसको हम इसमें पलट लेंगे। कि यहाँ इसमें हमने पलट लिया है, और ये हमारी देखिए कितनी अच्छी तरह क्रिस्पी हो गया है ये सिकने के बाद ओवन में। हम थोड़ा सा शुगर सिरप ऊपर से डालेंगे इसके के, अच्छी तरह शुगर सिरप डालने के बाद हम इसको गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने इसे पिस्ते से गार्निश किया है, आप चाहें तो किसी भी ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार होता है, जब मैंने इसे बनाया तो मेरे घर में सभी लोगों को पसंद आया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। मैं आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी चिकन मंदी वाली रेसिपी को पसंद किया और मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजे, एंड थैंक यू सो मच। इसी तरह आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।